أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم। जब तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा रहे उस वक्त तक ना तो मक्का के कुफार को कोई चिंता हुई और ना घबराहट, बल्कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों का मजाक उड़ाते रहे। समझते रहे कि दो चार दिन तबलीग करने के बाद खुद ही खामोश हो जाएंगे, लेकिन जब सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग से बहुत से अरब मुसलमान हो चुके हैं तो डरे, चिंता बढ़ने लगी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक आम जोश पैदा हो गया। इस बीच हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई कि कह दो ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिन चीज़ों को तुम पूछते हो वो दोजख के ईंधन होंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको ये आयत बुलंद आवाज़ से कह सुना दिया। इससे वो और भड़क उठे और आप पर बेजब गुस्ताखियाँ की बछार शुरू कर दी। इतना तंग किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर से निकलना मुश्किल हो गया, लेकिन आप अपनी तबलीग में बराबर लगे रहे और उसमें किसी किस्म की कोई कोताही ना की। क्योंकि मुसलमानों की तादाद में हर दिन बढ़ोतरी हो रही थी, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रूरत महसूस की कि कोई ऐसा मकान तजवीज किया जाए जिसमें दो घड़ी के लिए मुसलमान हर दिन जमा होकर कुरान शरीफ पढ़े और याद किया करे। चुनांचे अरकम का मकान जो आबादी से एक तरफ था तजवीज किया गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मकान पर तशरीफ़ ले जाते, तमाम मुसलमान भी मक्का के कुफार की नज़रों से बच बचा कर एक एक दो दो करके आ जाते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात सुनते, नमाज पढ़ते, कुरान शरीफ याद करते और खामोशी से अपने अपने घरों को वापस हो जाते। अगरचे ये सब काम खामोशी से हो रहा था, फिर भी कुरैश वालों ने पता लगा ही लिया कि कौन कौन मुसलमान हो गया है, ये लोग कहाँ जमा होते हैं और इनकी तादाद क्या है। इन बातों ने उन्हें और भड़का दिया। भड़कने की एक वजह ये भी थी कि जो लोग मुसलमान हो गए थे उनमें से ज़्यादातर रिश्तेदार थे और उनके गरीब गुलाम थे। इस घबराहट में उन्होंने तमाम कबीलों के सरदारों को मशवरे के लिए बुला लिया। मजलिसे शुरा का इजलास शुरू हुआ। अबू जहल मीटिंग का सरदार बना। अबू लहब ने खड़े होकर कहा, भाइयों आज हम सब इसलिए जमा हुए हैं कि हमारे मजहब को ठेस लगाई जा रहे हैं, हमारे मजहब को बुरा भला कहा जा रहा है। जिन बूतों को हम और हमारे बाप दादा पूछते आ रहे हैं अब उनको जलील किया जा रहा है, अब आप लोग इसकी रोकथाम का उपाय सोचें। अबू लहब के बाद अबू सुफियान खड़ा हुआ और उसने कहा, हमारे लिए कितने शर्म की बात है कि हमारे सामने हमारे माबूदों को बुरा भला कहा जाए और हम चुपचाप बैठे देखा करें। क्या हम इतने नामर्द बुजदिल और बेहिस हो गए हैं कि हमारे माबूदों को जलील किया जाए और हमारा खून ना खोले। अगर हमारी बेहिसी इस हद तक हो गई तो हमको जिंदा रहने का हक नहीं है। या तो जोश व गैरत से उठो, अपने बुतों की बुराई करने वालों का खात्मा कर दो, या अपने हाथ से अपने गले काट कर मर जाओ। अबू सुफियान का ताल्लुक बनु उमैया खानदान से था। बनु उमैया बनु हाशिम के मुकाबले का था। ये कैसे देख सकता था कि एक हाशमी का असर बढ़े। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाशमी थे, इसलिए अबू सुफियान ने भड़काने वाली तकरीर करके लोगों के दिलों को गर्मा दिया। हर तरफ से आवाज़ें आने लगी, हम क्यों मरें, अपने माबूदों को रुसवा करने वालों का खात्मा ही क्यों ना कर दिया जाए। हजरत उमर ने खड़े होकर कहा, ठहरो, सोच समझ कर बातें करो। क्या तुम ये नहीं जानते कि हमारे माबूदों को झूठ करार देने वाला, बुत परस्ती की बुराई करने वाला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जो कबीला बनी हाशिम से हैं। कबीला बनी हाशिम कुरैश में सबसे ज़्यादा इज्जतदार कबीला है। तमाम कबीले इस कबीले का एहतराम करते हैं। अगर किसी आदमी ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर डाला
तो बनी हाशिम का खानदान उनका इंतकाम लेने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देगा। हाशमियों के साथ कबीले उनका साथ देंगे। नतीजा ये होगा कि एक बार फिर तमाम अरबों में लड़ाई की चिंगारियां भड़क उठेगी और ये कोई नहीं जानता कि इस लड़ाई का नतीजा क्या होगा। कितने खानदान बर्बाद हो जाएंगे और कितने कबीलों का खात्मा हो जाएगा। अबू जहल ने हजरत उमर से पूछा, तो क्या हम मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से कुछ ना कहें? अपने माबूदों की तौहीन इसी सरगर्मी के साथ करने दी जाए? उमर बोले, कम से कम मैं ये नहीं चाहता कि वो कत्ल कर दिए जाएं। इससे बड़े फितने के पैदा होने का खतरा है, बल्कि मुनासिब ये है कि उन्हें समझाओ, उन पर शक्तियाँ करो, लेकिन कत्ल ना करो। और जो लोग मुसलमान हो गए हैं उनके साथ क्या व्यवहार किया जाए? अब अबू जहल ने पूछा, वो जिन लोगों के रिश्तेदार या गुलाम हैं वही लोग उन पर इस कदर शक्तियाँ करें, वो नए धर्म से मुँह फिर कर फिर अपने माबूदों की और लौट आए। उसने मशवरा दिया। वलीद बिन मुगीरा ने कहा, मशवरा तो मुनासिब है, मैं इस तजवीज़ पर इतना और बढ़ाता हूँ कि जो लोग मुसलमान हो गए हैं उन पर सबके सामने शक्तियाँ की जाएं, ताकि दूसरों को सबक मिले और फिर मुसलमान होने की हिम्मत ना करें। अब्बास बिन वाइल सहमी ने कहा, मेरे ख्याल में ये तजवीज़ मुनासिब है। इस वक्त जो लोग मुसलमान हुए हैं उनमें ज़्यादातर गुलाम और मुखलिस हैं। जब उन पर शक्तियाँ होंगी तो वो अपने बाप दादा के मजहब की तरफ लौटेंगे, और चूंकि लोगों को उनकी हालत देखकर सबक मिलेगा इसलिए फिर कोई नए मजहब को इख्तियार ना करेगा। सबने इस तजवीज़ की जोरदार तायद की और सब की राय से यही तय पाया कि मुसलमानों पर सबके सामने इतनी शक्तियाँ की जाएं कि वो मजबूर होकर इस्लाम छोड़ दें और अपने बाप दादा का मजहब पकड़ लें। इस तजवीज़ के बाद उदबा बिन रबिया ने कहा, अब उन लोगों के नाम बता दीजिए जो मुसलमान हो गए हैं। अबू जहल ने कहा, मैंने जहाँ तक हो सका मुसलमानों की सूची तैयार कर ली है। इसमें सिर्फ एक दो ही ऐसे असरदार बुजुर्ग हैं जिनका हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, वरना सबके सब हमारे काबू के हैं और हम उन पर भरपूर शक्तियां कर सकते हैं। जो नाम मुझे इस वक्त तक मालूम हो सके हैं मैं बताता हूँ। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये लोग कुरैश के शरीफों में से हैं और इन लोगों पर शक्तियाँ करना मुश्किल है। एक बूढ़े आदमी ने खड़े होकर कहा, इसमें से एक उस्मान है जो मेरा भतीजा है, अगर उसने इस्लाम ना छोड़ा तो उसे मारते मारते मार डालूँगा। ये बूढ़ा आदमी हजरत उस्मान बिन अफ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का चचा था। लोगों ने उसके जोश की तारीफ करके उसे हजरत उस्मान पर शक्तियाँ करने के लिए उभारा। जब वो जोश व गजब से भर गया तो अबू जहल ने सबके नाम बता दिए और ये कहा कि जासूस बाकी मुसलमानों का नाम जानने के लिए लगे हुए हैं, नाम मालूम होने पर सबको बता दिया जाएगा। फिर ये तय करने को कहा कि किस दिन से शक्तियाँ शुरू की जाएं। अबू सुफियान ने कहा, देर करने की ज़रूरत नहीं है, कल से सब लोग शक्तियाँ शुरू कर दें और इस बढ़ते हुए फितने को जितने जल्द मुमकिन हो दबा दें। सबने इस तजवीज़ को तायद की। फिर मजलिसें शुरा ख़त्म हो गई, लोग उठे और अपने अपने घरों को रवाना हो गए। ये वो मजलिसें शुरा थी जिसने तमाम कबीलों में मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत वो हिकारत और जोश व गजब की लहर दौड़ा दी थी। मुसलमानों को इस साजिश का पता ना था, अगर उन्हें मालूम हो जाता तो बिल्कुल मुमकिन था कि उन पर वो आजमाइशें ना आती जो बाद में आईं। बहरहाल अल्लाह को यही मंजूर था, इसलिए उन्हें मालूम ना हो सका। अरे दोस्तों, इस वीडियो को इन नेकी के ख्याल से एक लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें।